नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनरल न्यूज। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं प्रवीण कुमार त्रिपाठी अपने सहयोगी अजय श्रीवास्तव के साथ। मैं यहां जौनपुर के मछलीशहर तहसील के सुजानगंज ब्लॉक के दहेव ग्राम सभा में हूं। यहां ये माननीय जी यहां की जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनके द्वारा बनाई गई इंटरलॉकिंग है। इंटरलॉकिंग की मैं दशा दिखाता हूं आपको किस तरीके की इंटरलॉकिंग लगाई गई है। इंटरलॉकिंग ये यहां से शुरू होती है, ये सीधा मंदिर पे जाती है। दहेव ग्राम सभा का पार्वती का मंदिर है और जो है कि वहाँ भोलेनाथ और गणेश जी की का मंदिर है। और इंटरलॉकिंग मैं कहूँगा यहीं से दिखाना शुरू करें। ये जो है कि हमारे कैमरामैन, मैं कैमरामैन से कहूँगा चलो ये सीमेंट की दशा दिखाएं। सीमेंट लगाया गया है, ये सीमेंट लगाया गया है, ये सीमेंट लगाया गया है। अगर जो है बायोस्कोप लेके देखा जाए तब तो सीमेंट इसमें दिखेगा और सिर्फ वही रेत थोड़ा सा भर के जो है कि बाउंड्री वाल पे लगा दिया गया है। और यहाँ की इस यहाँ देखिए गैप कितना है, इंटरलॉकिंग का गैप कितना है। अगर इसमें कोई जानवर बैठ जाए, लोग जो है कि बिना जूता चप्पल के आते हैं नंगे पांव, इसमें कोई जानवर बैठे रहेगा निश्चित रूप से किसी को कोई दुर्घटना का शिकार होगा। और ये है बाउंड्री वाल, ये बाउंड्री वाल है, बाउंड्री वाल एकदम से लगभग खिसक गई है, एकदम से खिसक गई है। और इस तरफ देखिए बाउंड्री वाल की दशा क्या है। और ये है इंटरलॉकिंग, ये गैपेस देखिए इंटरलॉकिंग की। ये अभी लगभग एक साल भी नहीं हुआ है इंटरलॉकिंग को लगाए। और ये यहाँ पे यहाँ देखिए खड़ा है और इसके बाद ये देखिए इंटरलॉकिंग जो है कि एकदम से ऐसा लगता है कि जो है कि यहाँ पे जो है कि जो रसिया की मिसाइल जो है यूक्रेन के लिए आ रही है यहीं आके गिर पड़ी है। ये इस इंटरलॉकिंग दशा ऐसी है कि जो है जैसे पाकिस्तान की देश की है। यहाँ पे निश्चित रूप से इतना भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार की दशा ये जो है कि दशा दिखा रहा है ये इंटरलॉकिंग किस तरीके का भ्रष्टाचार हो। ये चार पुलिया रखी गई है, एक कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आए तो, और ये तीन और ये चार पुलिया रखी गई है। चारों पुलिया एक साल हो गया अभी तक लगा नहीं। और ये सब देखिए ये बाउंड्री वाल है, इंटरलॉकिंग का बाउंड्री वाल है। ये देखिए ईंट उठा, एक एक ईंट उठा के लेके घर पे लेके जा सकते हैं। इस तरीके का जो है कि इसमें बाउंड्री वाल की जुड़ैया की गई है और ये पुलिया की जगह छोड़ी गई है। और यहाँ ये सीधा पार्वती माता के मंदिर पे जाता है। आगे भी मैं नीचे है, ये देखिए ईंट उठा लीजिए और उठा के रख सकते हैं इसमें। और दोस्तों निर्णय इसमें सरकार को करना है, अधिकारियों को करना है कि इसी तरीके का भ्रष्टाचार बर्दाश्त किया जाएगा, या तो इस पर इंक्वायरी होगी या तो इस पर कोई एक्शन होगा। दोस्तों ऐसी ही खबरें देखने के लिए JNI को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, घंटी बजाना ना भूलिए। आप JNI की घंटी बजाएंगे, हम जो है नेताओं की घंटी बजाते रहेंगे, भ्रष्टाचारियों की घंटी बजाते रहेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। मैं प्रवीण कुमार त्रिपाठी अपने सहयोगी अजय श्रीवास्तव के साथ, जय हिंद, वंदे मातरम।